हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको। गाड़ी को रोके कैसे और बढ़ाएं कैसे, इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। एक नए चालक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम गाड़ी को बढ़ाएं कैसे और रोके कैसे, तो आज मैं इसी पे आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे गाड़ी को रोक सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, आप जो है गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठने पे आपको सबसे पहले सीट को एडजस्ट करना होता है। आप अपने हिसाब से सीट को एडजस्ट कर ले ताकि आपको एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ये सारी चीजें आपको आसानी से मिल सके, ताकि आपको क्लच और ब्रेक, एक्सीलेटर ये प्रेस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। जब भी आप गाड़ी पे बैठे तो सीट एडजस्ट किए, उसके बाद एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, ये आप तीनों पैडल देख लें। तो कभी कभी हो सकता है आप कोई बॉटल है या कुछ भी गाड़ी के अंदर, यहाँ क्लच ब्रेक के अंदर आ सकती है। तो ये सब चीज़ें आप गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार गाड़ी में देख लें कि कोई भी चीज़ें इन तीनों पैडल के पास नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होगी। तो अब जो है, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। हम ये सब सारी चीज़ें देख लिए, तब गाड़ी हमारी सेफ है, पैडल के पास कोई चीज़ नहीं है। गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ये चाबी लगा हुआ होता है। जब भी आप चाबी को लगाएंगे तो चाबी का तीन कट होता है। पहले में जो है स्टीयरिंग लॉक हटता है, दूसरे में हमारा सिस्टम ऑन होता है, तो तीसरे में गाड़ी हमारी स्टार्ट होगी। तो अब आपको हमेशा, जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो हमेशा आपको क्लच को पूरा प्रेस करना है। जब आपका क्लच पूरा प्रेस होगा तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। देखिए दोस्तों, अब ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है। अब आपको कैसे पता चलेगा गाड़ी मेरी स्टार्ट है, तो ये जो मीटर में सारे साइन है, ये सारे साइन जो है बंद हो जाते हैं। ये एक भी साइन मीटर में नहीं है। एक साइन चल रहा है हैंड ब्रेक का, वो साइन है। फिर इधर सीट बेल्ट का साइन है। ये इतनी चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, अब हमें गाड़ी को आगे बढ़ाना है, ठीक। तो हम गाड़ी बढ़ाने के लिए सबसे पहले क्लच को दबाएंगे, ठीक। तो क्लच हमारा दबा हुआ है। अब हम जो है गियर लगाएंगे। गियर ये है, इसको आपको जो है लेफ्ट करना है। ये वन गियर है, इसको आप जब भी गाड़ी को बढ़ाना होता है तो पहले हमें फर्स्ट गियर लगाना है, ये लेफ्ट करके आगे। ये वन गियर में गाड़ी हो गई है अब, ठीक। तो अभी आपको क्लच नहीं छोड़ना है। तो जब आप क्लच को छोड़ेंगे तो ये एक्सीलेटर पे पैर कभी नहीं रखना है आपको गाड़ी उठाते वक्त, ठीक। गाड़ी आपको जब भी मूविंग कराना है तो एक्सीलेटर पे पैर ना रहे आपका, ठीक। तो ये है आपका ब्रेक। तो हम जब भी गाड़ी उठाएंगे तो हमेशा पैर ब्रेक पे होगा। तो दोस्तों, अब हम गाड़ी को मूविंग के लिए बढ़ाने चल रहे हैं कि गाड़ी आपकी जो है कैसे बढ़ाना है। तो दोस्तों देखिए, ये अब हमारा क्लच धीरे धीरे ऊपर आ रहा है हल्का हल्का। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी गाड़ी हल्की हल्की मूविंग कर रही है, देख रहे हैं। तो जब आपका क्लच हाफ रहेगा तो गाड़ी आपकी स्लो चलेगी, एकदम हल्का, धीरे धीरे, ठीक। तो ये गाड़ी हमारी मूविंग की है। अब हमको गाड़ी को रोकना है, तो रोकने के लिए सबसे पहले हमको क्लच को दबाना है। गाड़ी क्लच दबा दिए हम, उसके बाद हम ब्रेक लगा दिए। तो ये है हमें मूविंग कैसे करना है और हमको रोकना कैसे है। तो जब भी आप गाड़ी को रोकेंगे तो क्लच पूरा नीचे दबा रहेगा और आराम से ब्रेक पे पैर रखेंगे, गाड़ी रुक जाएगी, ठीक। अब हमको जैसे क्लच से पैर हटाना है और गाड़ी हमारी स्टार्ट रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले फिर से गियर को न्यूट्रल पे कर देना है। ये क्लच दबाए, गियर को न्यूट्रल पे कर दिए, अब फिर हम क्लच से पैर हटा सकते हैं। अब हमारी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। अगर आपको जैसे 4 सेकंड के लिए रुकना है और क्लच से पैर हटाना है तो आपको गाड़ी को न्यूट्रल पे करना होगा, फिर आप क्लच से पैर हटा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको दूसरा पॉइंट बताने वाले हैं कि अगर आप नए चालक होते हैं तो आपकी गाड़ी बार बार बंद हो जाती है, क्लच पे पैर होल्ड नहीं रख पाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी, बस आपको क्लच पे पैर को होल्ड रखना होता है। कभी भी गाड़ी को जल्दबाजी में ना उठाएं। अब ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, ये है हाफ क्लच, ठीक है। जब हाफ क्लच पे हमारी गाड़ी रहेगी तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी, अगर आप इस पर ब्रेक भी लगा दिए तो। देखिए, अब इस समय गाड़ी हमारी बंद नहीं है। तो क्लच जब भी आप हाफ लेके आएंगे तो उसको कुछ सेकंड तक रोकना होता है। जब आप रोक के रखेंगे तो गाड़ी आपकी बंद कभी नहीं होगी, इस पॉइंट तक आपको क्लच को होल्ड रखना है, ठीक। तो अब हमारी गाड़ी धीरे धीरे देखिए चल रही है।
धीरे धीरे मूव कर रही है, फिर हमको रोकना हुआ तो फिर हम क्लच को दबा लिए पूरा, फिर आराम से ब्रेक ले लिए। तो अब दोस्तों अब हम बताने वाले हैं तो गाड़ी आपकी बंद कैसे हो जाती है। तो दोस्तों देखिए अभी गाड़ी हमारी स्टार्ट है, अब हम इसको क्लच को जल्दी से छोड़ेंगे, जैसे जो नए चालक होते हैं उनसे कैसे गाड़ी बंद होती है अब हम ये आपको बताने वाले हैं। तो देखिए बंद हो गई, देखिए दोस्तों अब जब हम क्लच को पूरा छोड़ दिए तो हमारी गाड़ी बंद हो गई। तो अब हम फिर से गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, हमने क्लच को दबाया और फिर जो है गाड़ी को हम स्टार्ट किए, और फिर हमको क्लच हाथ पे ही पैर मेंटेन रखना है कि गाड़ी आपकी बंद ना हो। ये आपकी गाड़ी चल दी है, अब ये क्लच हाथ पे है तो गाड़ी हमारी बंद नहीं हुई। अब इसको हमें कुछ सेकंड तक गाड़ी को होल्ड रखना होता है क्लच को, कि ताकि हमारी गाड़ी धीरे धीरे मूव कर जाए। देखिए दोस्तों बंद नहीं हुई गाड़ी, ये चल रही है। अब फिर हमको गाड़ी को रोकना है तो फिर हम क्लच को पूरा नीचे दबा लेंगे। देखिए दोस्तों क्लच पूरा नीचे दब गया, अब हम आराम से ब्रेक को ले लिए, गाड़ी हमारी रुक गई। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि मेरा हौसला ऐसा ही बना रहे और मैं आप सभी के लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।